यार मिठाई नहीं खत्म हो रही, पतीसा अच्छी लगती है। ये हमारा जूता जो खराब हो गया था, ये कंपनी ने फिर से हमको दूसरा दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। आई एम रेडी और सिया जी कुछ कर रही हैं, मैं तो रेडी हूँ और जाना है सिविल लाइंस, इसलिए नहा धो के रेडी हो गया मैं। खाना खा के निकलते हैं। चलिए देखते हैं सिया जी क्या कर रही हैं। सिया जी अभी खाना बना रही हैं। तो खिचड़ी में हमारे यहाँ काफ़ी मेहमान लोग आए थे और वो स्नान ध्यान हो गया सबका, गंगा जी में संगम में डुबकी लगा लिए लोग और गए। मिठाइयों के डब्बे पड़े हैं, इसमें से कुछ मिठाई निकालते हैं। पहले मिठाइयाँ खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। खाना खा के निकलेंगे हम। इससे भी मिल लीजिए। तो गाइस इसमें मौसम सही हो रहा है, धूप निकल रही है ठीक ठाक। शाम के वक्त गलन बढ़ जा रही है, यानी दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। दिन में धूप हो रही है अच्छी खासी, रात में टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है तो गलन बढ़ जा रही है। गैस हमारा खाना पीना हो गया और मैं रेडी हूँ। देखिए सिया जी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे। तो ठीक है निकलते हैं, सबसे पहले अपनी चाय भी लेते हैं। गैस तो अभी पहुंच गए हम सिविल लाइंस और यहाँ का कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये रहा सिविल लाइंस एरिया और इसमें बैठक कैफ़े है। ऊपर बैठक कैफ़े खुला हुआ है और इधर है होटल जेके पैलेस। गाइस सिविल लाइन से लौट रहे हैं घर के लिए और अभी घर पे चल के बताते हैं आपको क्या हमने लिया सिविल लाइन में। और तो कुछ ज़रूरी काम था लेकिन हमने कुछ एक्सचेंज किया है, उसको आपको दिखाते हैं। आइए कुछ सब्जी ले लेते हैं। हम ले रहे हैं सामान महाजन के यहाँ कुछ, और कुछ प्लास्टिक का सामान लेते हैं। महाजन जी आज आ रहे हैं ब्लॉग में, ये हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आप सब्जी, अगर कैलाशपुरी के आसपास रहते हैं तो आप इनके यहाँ सब्जी खरीद सकते हैं, फ्रेश ताज़ी सब्जियाँ। सब्जी वब्जी ले लिए, अब चलते हैं घर के लिए। ओ वीडियो बन रही है। तो आ गया मैं घर पे, रखते हैं सिया जी बना रहे वीडियो। अभी वीडियो बनाने में, रील्स बनाने में बिजी है। गाइस ठंडी बढ़ गई है, अभी लाए हैं इसको दिखाते हैं लोगों को। सूज लाए, अभी वीडियो बन रही है इसलिए शांत है। मेरा है तो हम क्या करें, शुरू जलन शुरू। इस लड़की को सैंडल चाहिए, सैंडल नहीं आ पा रहा है तो हमारा जूता आ गया। तो ये गाइस अभी वीडियो बन रही है, मामला शांत है। ये हमारा जूता जो खराब हो गया था, ये कंपनी ने फिर से हमको दूसरा दिया है। वो वाला नहीं दिए, दूसरा ठीक है। ये मतलब चॉइस था कि आप कोई भी ले सकते हैं, वो उसको दे दिया है। उसका लेदर ख़राब हो गया था तो रेडशिप वालों ने खुद दिया ऑफ़र कि आप ले सकते हैं कोई, तो उसके बदले में ये जूता मिला है। हमने लिया नहीं, पैसा देकर नहीं लिया है, उसके बदले में मिला है। इनका नहीं सैंडल आ पा रहा है, काफ़ी दिन से सैंडल कह रहे हैं, सैंडल नहीं आ पा रहा है, इसलिए जो है हमारा जूता देखेंगे तो दिक्कत हो गई। तो हालाँकि हम जूता हमें एक्सचेंज में डाले थे, रेडशिप में एक्सचेंज में डाले, तो एक्सचेंज के बदले हमको दूसरा मिला है, तो हमने ये लिया है नया मॉडल। तो गाइस हमको फिर से निकलना पड़ रहा है बाहर, हम जा रहे हैं मार्केट। ये देखिए रिंग लाइट लगा के नाखून काटा जा रहा है, क्या हो रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? हमारी मॉर्निंग तो हो चुकी है, धूप निकली हुई है बाहर,
देखें सिया जी क्या कर रही हैं। सिया जी एक तरफ बना रही चाय, एक तरफ सब्जी और कुकर में दाल बन गई। तो सुबह सुबह एक तरफ चाय एक तरफ खाना, दोनों हमारे यहाँ लगातार बनता है। क्यों? दोनों एक साथ बनता है क्योंकि अजय को कोचिंग जाना रहता है, तो सुबह सुबह वो कोचिंग जाते हैं 10 बजे से, तो 10:30 बजे से जाते हैं, 10:30 बजे उनकी कोचिंग है, तो 10:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे वापस आते हैं, 6 बजे वहाँ छूटते हैं, 6:30-7 बज जाता है, तो सुबह खा पी के जाते हैं, तो शाम को वापस आते हैं, इसलिए सुबह सुबह खाना हमारे यहाँ जल्दी बन जाता है, बिल्कुल ऑफिस टाइम पे, और हमको भी निकलना रहता है 11 बजे तक, तो हमको वो जल्दीबाजी नहीं रहती है। हाँ, किसी दिन अर्जेंट रहता है या कोई ऐसा काम रहता है तब हमको जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए सिया जी को दोनों एक साथ बनाना पड़ता है। तो सुबह सुबह उठकर और जल्दी जल्दी खाना बनाए। आपको मिल्क केक पसंद है, उससे अच्छा पेड़ा पसंद होना चाहिए, बर्फी पसंद होना चाहिए। मिल्क केक में जानते हैं क्या क्या मिला जाता है? सूजी, आटा और थोड़ा सा खोया, चीनी, तब मिल्क केक तैयार होता है। अरे और क्या मिलाते हैं उसको थोड़ा सा रंग रूप देने के लिए? कोई केमिकल मिलाते होंगे, आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, इसलिए मिल्क केक को बहुत अच्छी मिठाई में नहीं मानी गई। हालांकि टेस्टी होती है, सूजी वगैरह की वजह से, खोया सूजी की वजह से टेस्टी होती है। हमको सूजी वाला सब सामान अच्छा लगता है, तो सूजी का लड्डू बनाइए, घर पे बनाइए, सबसे अच्छा है। चलिए हमारा चाय आ गया, चाय पीते हैं। हाँ गाइस, तो अब चलते हैं शेविंग करवाने और हेयर कटिंग करवाने। आज हमने शेविंग करवा लिया, हेयर कट भी करवा लिया, लेकिन वेडनेसडे के दिन और संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, 2-2.5 घंटा लग गया मुझे शेविंग करवाने में, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे निकलना है सिविल लाइंस के लिए। तो मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, खाना ला रही हैं, मेरा खाना आ चुका है, चले खाना खाने, खाना खा लिया जाने, बहुत लेट हो गया आज तो, बहुत लेट हो गया, लंच टाइम भी आउट हो गई, समझिए 1:30 बज रहा है, हालांकि 1:30 बजे लंच टाइम होती है लेकिन 2 बजने वाला है, तो फटाक से हमको निकलना भी है। Hey guys, good morning. कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारा अर्ली मॉर्निंग ही स्नान उस्नान हो गया, सो के उठने के बाद जल्दी सबसे पहले ब्रश व्रश करने के बाद आज स्नान ही हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या होगी पानी नहीं आ रहा है, आए दिन ऐसी समस्या होती रहती है, पता नहीं क्यों 2 लाइन गई है, 1 लाइन में पता नहीं क्यों कुछ उसमें काम चल रहा है कि क्या चल रहा है, अक्सर उसमें पानी एक हफ्ते में 1-2 दिन के लिए बंद हो जा रहा है। अब कुछ लोग बता रहे हैं वहाँ पे काम चल रहा है, समरसेबुल लग रहा है, ट्यूबवेल गड़ रहा है, पता नहीं क्या इश्यू है, ऐसे होता रहता है। तो आज सुबह सुबह स्नान करना पड़ा। सिया जी खाना भी बना रही हैं, हाय बोलिए। तो सुबह सुबह इन्होंने चाय भी बना दिया, खाना भी बन रहा है, क्योंकि मुझे निकलना भी है, इसलिए आज सब कुछ जल्दी हो रहा है। अजय तो खाना खा के गए कोचिंग, चलिए फिर मिलाते हैं आपसे। हाँ, हमारे यहाँ नीचे ही खाना बनता है फर्श पे, थोड़ा सा फर्श गंदा हो गया, इसका कमरे का थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कराना है, इसके पहले कोई रहता नहीं था यहाँ पे इस मकान में, वो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए, इसके बहुत पहले 5-7 साल पहले इसका पेंटिंग वेंटिंग हुआ था, सब खराब हो गया, तो इसका डेकोरेशन करवाना है, नीचे भी मैट वेट लगवाना है, टाइल्स तो नहीं लगेगी अभी लेकिन मैट वेट लगवाना है, इसलिए अभी खाना नीचे ही बन रहा है, टेम्प्रेरी व्यवस्था है, थोड़ा सा काम करवाना है इस पर, जगह जगह इसमें काफ़ी काम आ गया है इस मकान में, इसलिए अभी ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही बस थोड़ा सा मौसम सही हो जाए होली होली तक उसी के आसपास करवाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा गर्मी आएगी तो सही रहेगा, सूखने में सही रहेगा, पुट्टी उट्टी लगेगी तो सूखने में सही रहेगा, बाकी नीचे मैट वेट बिछवा देना है और यहाँ पे किचन के लिए बनवा देना है, ये सब कुछ काम करवाना है, लेकिन अभी सब ऐसे ही नीचे टेम्प्रेरी व्यवस्था चल रही है। देखिए मिठाई ख़त्म हो गई कि है अभी, अच्छा कई दिन से मिठाई चल रही है अभी ख़त्म नहीं हुई, तो सबसे अधिक मिठाई मैं ही खाता हूँ, और कोई नहीं खाता क्या? आपको तो वो वाली अच्छी लगती है, क्या नाम था? मिल्क केक, ये हमको अच्छी लगती है, ज़्यादा मीठा नहीं, बिल्कुल घी से बनी हुई अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरा चाय नमकीन भी आ गया है। गाइस धूप बहुत अच्छी हुई है, तुम लोग बैठ के धूप सेंक रहे हैं,
आज तो काफ़ी तेज़ धूप है और तेज़ लग भी रही है। काफ़ी देर से हम लोग धूप सेक रहे हैं। सिया जी यहाँ खड़ी खड़ी धूप सेक रहे हैं, बैठे बैठे उब गए तो अब खड़ी खड़ी धूप सेक रही हैं। बाहर का नज़ारा भी ले रहे हैं, धूप खिली है तो बाहर आपको दिखाते बहुत अच्छा है। सब पीले पीले खेत के, पीले पीले सरसों के खेत दिख रहे हैं। और ये देखिए खड़े होकर धूप सेक रही हैं, अब बैठे बैठे उब गई। बहुत तेज़ धूप है ना आज, तो आज सब लोग धूप सेक रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, अब हम चलते हैं, हमको निकलना है फिर वही सिविल लाइंस के लिए। चलिए आपको खेत दिखाते हैं, देखिए कितना हरे भरे, देखिए कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। ये तो एक तो खिली खिली धूप है और दूसरे पीले पीले खेत हैं। दूर दूर तक आपको खेती खेती नज़र आएगी। गंगा जी के किनारे चारों तरफ खेती, गंगा जी के बीच में जो रेती है बालू पे, बालू पे सब्जियों की खेती होती है। धूप तो अच्छी है, चलो जाए। अरे बहुत तेज़ धूप लग रही है, देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। तो गाइस 10-15 मिनट हो गए, अब यहाँ पे ठंडक महसूस हो रही है। यानी मौसम का हाल ये है कि बाहर इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, कमरे के अंदर ठंडा लग रहा है और बाहर बहुत तेज़ धूप है। क्यों सिया जी, बाहर धूप है? काफ़ी देर रही है, आधे घंटे एक घंटे रही है तो पूरा जलन होने लग रही है तेज़ धूप के कारण, और 10-15 मिनट बाद घर में ठंडक लगने लग रही है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। बाय बाय।